वेलकम टू टेकबल्क। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के एक नए फीचर के बारे में और बताऊंगा कैसे करता है एक काम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते रहिए टेकबल्क। दुनिया के पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है। वैसे तो व्हाट्सएप में कई नए फीचर्स आते रहते हैं, पर यह फीचर्स हमें मदद करेगा फेक न्यूज़ को पता करने में। जैसे फेक इमेजेस से लड़ने के लिए गूगल रिवर्स इमेज का यूज़ होता है, ऐसा ही एक फीचर व्हाट्सएप सर्च इमेज के नाम से लाने वाला है। इसमें गूगल API का यूज़ होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फेक इमेजेस शेयर की जाती हैं। अभी केवल व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में सर्च इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, और अब हम आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आप इमेज के ऊपर जाकर जो 3 डॉट्स बने होते हैं वहाँ क्लिक कीजिएगा, तो आपको सर्च इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको गूगल पर ले जाएगा, जहां आप पता लगा सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या ओरिजिनल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। अभी कुछ समय पहले लंदन की एक टी शॉप जिसका नाम चाय वाला है, उस पर विंग कमांडर अभिनंदन जी की फ़ोटो लगा दी गई थी, और कहा जा रहा था कि यह शॉप उनकी फ़ोटो लगाकर अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पर जब चेक किया गया व्हाट्सएप सर्च इमेज से, तो पता चला कि ये न्यूज़ फेक है। उन्होंने किसी की भी फ़ोटो नहीं लगाई हुई है। हम जानते हैं कि इंडिया में फेक न्यूज़ कितनी जल्दी वायरल होती है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट जल्द से जल्द आए। एंड में हमारा यही कहना है, खुशियाँ बांटिए अफवाहें नहीं।